पूरी तवज्जो 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 हम हैं महदूद 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 और महदूद को कभी लामहदूद समझ में नहीं आ सकता। हमने महदूद होकर सोचा है मोहम्मद और आले मोहम्मद को। अरे कहां हम कहां वो हो। मैं तुमसे पूछता हूं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कुरान में, बहुत सी कभी उस पर किसी मुसलमान ने बहस नहीं की और बगैर किसी दलील के हम उनको मानते हैं। अल्लाह ने मरियम नामी लड़की को बच्चा दिया बगैर शौहर के। आप चुप हो जाते हो तो मैं भी चुप हो जाता हूँ। मैंने कहा अल्लाह ने मरियम को बच्चा दिया बगैर शौहर के, जो साहिबे किताब भी है, साहिबे शरीयत भी है, साहिबे कलमा भी है। अल्लाह ने एक छोटे परिंदे अबाबील के जरिए हाथी नशीनों को हलाक किया। अल्लाह ने मूसा की असा से पत्थर से 12 चश्मे जारी किए। अल्लाह ने ईसा की फूंक से मुर्दे को जिंदा किया। ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई? अरे आज तो साइंस ने इतनी तरक्की की है, मुझे समझाओ एक कुंवारी लड़की को बच्चा हुआ बगैर शौहर के। अरे तुम तो कहते हो कि अली और रसूल जैसे, पहले ईसा जैसे तो बन के दिखाओ। तुम तो कहते हो अली और रसूल जैसे, पहले ईसा जैसे तो बन के दिखाओ। ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई, ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई और उसको भी मानते हो जो कुरान में है कि जनाबे आसिफ बिन बरकिया जनाबे सुलेमान की आंख झपकने से पहले, आंख झपकने से पहले सबा से बीबी बिल्किस का तख्त लेकर आए, जो वहां थे उन्होंने समझा कि यहाँ है, जो तख्त पर मौजूद थे उन्होंने समझा कि यहाँ है। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि इसको किताब का थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा इल्म था। अरे जिसको किताब का थोड़ा सा इल्म हो वो तो कुरान के मुताबिक दो जगह पर हाजिर नाजिर रह सकता है। तो अगर अली कायनात में हाजिर नाजिर है तो इसमें ताज्जुब किस बात का है? Yeah.